तुम ऐसे क्या देख रही हो बालकोनी में आके? ये चाम भाई साहब अब आ रहे हैं, देखो ये बन गई हमारी पहाड़ी बिरयानी। हेलो हेलो, हाँ दोस्तों, मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ। ये पापा के मास्टर थे पापा के स्कूल में, इनका नाम है सेकंड ज्यादा कुकृति नाम है इनका। तो इनकी अच्छा ये आपको दिख रहे हैं फेसबुक में, तो पापा को पढ़ाया इन्होंने, पापा पढ़ते थे पोखरी खाली स्कूल में। झगड़ियो आज मैं वाकई इतना खुश है, इतना खुश है ब्याह ब्याह जन मिन से मैं बहुत खुश है, पर डबल खुश है हमारे गुरु जी। ये हमारे गुरु जी से न ये हमने पढ़ाए थे गणित पोखरी खाली फलम, तो आज इधर देखिए इतना मन खुश है ना, और दिल बहुत मतलब खुशी में झूम उठा दिल में। गुरु जी आप जरूर देखें, मैं बहुत खुश हुई हूँ, बहुत खुश हुई हूँ मैं आता है, तो मैं आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम कोटि कोटि नमन और खुशी का ठिकाना नहीं रहा है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत करती हूँ मैं आपका द कुकृति फैमिली में। आशा करती हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। दीदी भूलियो चाची बोलियो थे प्यार प्यार भरो नमस्कार। तो आज मैं किचन में ही हूँ छो, और मैंने दिया कि आज पापल फिर बनी हूँ बोलियो, और आज टप कढ़ाई भर एक बनी हुई पापल पढ़ियो। पिछली बार पढ़ियो बने हुए तो इतगो मित्र, तो कटोरी कटोरी से भी हाफ मिली हुआ कि लेके हम गया छे बैंक, और बैंक बड़ी है तो इतगो इतका दिया छे। तो आज पापल हमर फरमाइश हम दोबारा बने कल चाहे करवा चौथक बर्थ, तो हम लोगों तो लगी जाए बहुत ज्यादा भूख, और आज पापल पढ़ने बनाए खुद ही छाँच लेके आए और खुद ही पढ़ने बनाया, और ये ची नमक पापा ये आपने बनाया अभी? हाँ जी। अरे वाह, तो नमस्कार आपका परिवार है सुख शांति बना रहे हैं। तो दबड़े बहुत दिन बड़े ना, कभी बर्थडे कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ, मतलब मन हुई है खराब, तुम एक बार आप फिर बड़ो पलो आयु बच्चे बैर बल पापा जी बोल पीछे बार बल तुम हम तो बहुत चंपो गए दिया बल। हाँ खुद तो पापा थाली में खाने छे और हम तो कटोरी में जले जा, तुम बार सरप पगे खाए बल तुम एक बार बच्चो पीछे फाड़ जाए चार छाँच और आछन आठ, तो आप तुम बार डबल मिल जाए और लोड़ी मीट पीछे मतलब मुर्रिया पदना हरी मिर्ची बिल्कुल बड़े ऐ भुट्टा, तो आज बड़े चुप पड़ियो बस ये कह गया। तो आज मैं बात तुम हो दिन तुम एक कटोरी खाए हाथ दी कटोरी खा लेन, पर हाँ मैं तो थाय बड़ी दिन पड़ियो बस। और ऐसे देखिए भूख ज्यादा लग रही है बिल्कुल, तो अब आप बनाओगे मैगी, तो जो जो मतलब पहले से तो पेट भरता नहीं है, तो ये मैगी भी बनाएंगे साथ साथ, और आज शाम को एक और चीज बनाने वाले हैं पापा पहाड़ी बिरयानी। पहाड़ी बिरयानी, तो मतलब जिस दिन पापा का मूड बहुत ज्यादा खुश होता है उस टाइम पापा दो दो टाइम का खाना बना लेते हैं अच्छा अच्छा, तो मजा आ जाता है। तो करवा चौथ में थोड़ा सा मूड जो स्पॉइल हो जाता ना, वो पापा आज खुश करने की कोशिश कर रहे हैं। तो वजह सीमा करेगी, कल मूड खराब हुआ मेरा, जो मूड खराब हुआ वो हुआ मैच की वजह से, जब और मेरा हुआ चांद की वजह से, इनका क्रिकेट की वजह से मेरा चांद की वजह से, तो ये तो बहुत ही ज्यादा। अब तुम सुबह से भूखे बैठे हो और रात में चांद ना निकले तो कितना अजीब लगता है, और अगर मैच हार जाए तो भी इतने टाइम बाद, मतलब 1992 से इंडिया हमेशा वर्ल्ड कप में आईसीसी के उसमें हमेशा जीतती है T20 में भी और 50 ओवर वाले में भी, लेकिन कल कोई बात नहीं पाकिस्तान जीती है भाई, उनको भी खुशियों का मौका मिलना चाहिए। इंडिया जीतती रहती है, चांद तो नहीं आता ना, पर चांद का तो वो हो गया ना। ये सही कह रही है, इंडिया जीतती रहती है, सही कह रही है। और तो फिर शाम को बनेगा पहाड़ी बिरयानी, तो नेक्स्ट अभी बनेगा मैगी, चलो बनाओ। हाँ तो उसकी ब्लॉगिंग नहीं करेंगे फिलहाल, क्योंकि मैगी मैंने पहले भी दिखाई थी, पर तो जब पहाड़ी बिरयानी बनाएंगे तो उसका बनेगा नेक्स्ट। हाँ उसका बनाएंगे, और अभी जब हम पलियों को सपोर्टिंग है ना, तब दिखाएंगे थोड़ा, ताकि आप लोगों को भी मजा आए कि हाँ भाई फिर आप ढूंढ ढूंढ के लेके आओ क्या झुंगरू और क्या बोलते कादू, ताकि उसके आप भी बना सके बिल्कुल पलो। चलिए दोस्तों फिर यहाँ पे करते हैं, यहाँ पे नहीं, यहाँ पे पॉज करते हैं, मिलते हैं थोड़ी देर के बाद। चलो पापा बांट रहे हैं पलो, ले लूण, लो लूण पापा मेरे को छोटी थाली में नहीं चाहिए, इतनी सारी थाली थी आपने छोटी थाली में क्यों दिया मेरे को, पता क्यों दी मैंने? इस पर ठंडा कम होगा। अरे वाह, मैं देखना चाहूंगी पापा अपने लिए कितना लेता है। ये देखो ये
ये देखो पापा, जगह तो छोड़ दो उसमें खाने की। भगवान की पापा दगड़ियों मीन बैर अब ठैक, ये देखो। अच्छा लो अब ले जाना बस आराम से। कैसा हो रहा सीमा? बहुत टेस्टी दगड़ियों। हाँ इतने खड़ा है चम्मचन अम्मी खाया मैं यहाँ इन माँ आया ये देना ये खड़ा है चम्मचन। मैं भी ऐसी खाऊंगा, अभी थोड़ा गरम है ना। अरे गरम है सीमा, जीभ जल जाएगी। पीने लगे इसको मजा ना, ऐसे ही आता है। अच्छा और यहाँ मेरी मैगी भी उफान पे आ चुकी है। उफान पे। नमस्कार दगड़ियों, स्वागत करती हूँ मैं आपका द कुकरेती फैमिली चैनल में। तो मैं पापा को आज छत में लेके आई हूँ स्पेशली, क्योंकि मुझे अच्छा लगता है ऐसे एनवायरमेंट में पापा के साथ बात करना। सबसे पहले दगड़ियों आप लोगों को कुकृति फैमिली तरफ बड़ी बहुत बहुत प्यार और आशीर्वाद। तो फिर सबसे बड़ी खुशी मैं आप तक बताना चाहना चाहूँ कि आप लोग ना जो हम देखते ना कमेंट, मतलब बड़ी इतना शांति इतना आनंद मिलता ना, मन खुश हो जाऊँ। बस सबसे बड़ा योगदान आप लोगों से। और देख रहे जो आप लोग मुझे कमेंट होते हैं ना बधाई दिया है कि अंकल जी आपकी जन्मदिन की मुबारक हो, ये हो, तो बहुत ही अच्छा लगे, बहुत ही सुंदर लगे। सब ने बोला कि सब तय बहुत बहुत आशीर्वाद और हमारा प्रेम हमारे प्यार उम्र तक और आपका प्रेम आपका प्यार हमारे तक अर्चु, ये हम अपन बहुत बड़ी खुशी है कि पैर कब से जन्मदिन। पहले हम तो ये नहीं पता चाहिए कि हम पैदा कब हुआ, कै महीना हुआ, ऊपर टाइम ही है नीचे ऊपर टाइम, पर जब भी आप लोग आए तब भी हम तो बहुत आप लोग प्यार जाना चाहें। पापा आपके बर्थडे कब छू, माँ तुम्हारा बर्थडे कब छू, तो हम तो आप पता चल, तो आप बहुत अच्छे बना है ना। और हम तो खुशी मिल रही कि बच्चा तो हमारे भी थोड़ा सा ये उम्र जान हम तो मिल रहा एनर्जी कि हमारे कुछ हम तो बहुत प्यार देते और ये हमारे अगले तक चलने से। तो सबसे बढ़िया बात बेटा ये बात हो जाए ये बच्चा बंदा ना पापा जी वहाँ चलते हैं वहाँ चलते मतलब भैर बोल ना मैं तो अगर ले जा चलो अपने देवभूमि अपने उत्तराखंड, क्योंकि देवभूमि उत्तराखंड से डांडे खाने से वो मेरी माँ है और ये मेरी माँ की गोद है। तो पापा हो गए इमोशनल, गांव का नाम लेते ही पापा इमोशनल हो जाते हैं। और तो हाँ तो फिर तो पापा बस पापा हंसते रहो आज के दिन इमोशनल मत हो। पापा एक छोटी सी चीज और, जैसे कि आप अपने उत्तराखंड को लेके इतने इमोशनल हो जाते हैं और हमेशा उन्हें याद करते रहते हैं किसी कारण, बस हम अब वही है कि नौकरी चाकरी सब कुछ फैमिली वैमिली सब यहाँ है, तो वरना पापा का बच चले तो पापा चले ही जाए। बिल्कुल तो आप लोगों का बहुत बहुत प्यार और सुंदर कमेंट दिन और हम तो इतनी प्यार मोहब्बत दिन और हमारा आशीर्वाद आप तक। जय उत्तराखंड। और साथ साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ऐसे ही पापा को हंसते बोलते खेलते देखने के लिए। बिल्कुल बिल्कुल धन्यवाद। तुम ऐसे क्या देख रही हो बालकोनी में आके? ये चाम भाई साहब आ रहे हैं देखो, ये यहाँ पे 5 मिनट से खड़ी हुई है। और मैं ये देख रही हूँ सेम करवा चौथ जैसे चाम निकले हुए हैं, वैसे प्यारे से ऐसे सेम लाल लाल। और अभी 9:15 हो रहे हैं, कल हमने चांद भाई साहब का 10 बजे तक वेट किया था, 10:30 तक वेट किया था। 10 से तो हमने स्टार्ट किया था, तो मतलब सोचना कि अब तोड़ देते हैं, अब बहुत हो गया है, तो तब हमने 9:45 पे हम सब ने एक दूसरे को मनाया कि चलो अब तोड़ ही देते हैं। तो उसके बाद हमने 10:30 बजे तक, ये अच्छी बात है कि जिस डायरेक्शन में भी चांद है ना उसी डायरेक्शन में हमने किया था, क्योंकि आता इसी साइड से इस टाइम पे। कसम इतना मूड स्पॉइल हुआ है ना कल, और अगर कल आप आ जाते तो हम छत में हमने पूरी तैयारी की थी पूरा, मतलब लाइटिंग वगैरह सब की अच्छा खासा, एक महीने पहले से हम इतना सब कुछ कर रहे थे यहाँ। तो यहाँ पे मम्मी देख रही है करोड़पति देखा जा रहा है, मम्मी को बहुत पसंद है, पापा को भी पसंद है। पापा तो जा ही नहीं रहे थे बिरयानी बनाने, भूल गए थे लगता है सुबह सुबह की बोला था कि बिरयानी बनाना है। पापा के तो प्याज भूनने में ही स्वाद आ जाता। दगड़े हो ये बनने थी पहाड़ी बिरयानी, और मैं बता भूलियो कि कन बन, लेकिन हम तो इतना कमेंट में नरेन इतना कमेंट
कि अंकल जी आपने बताया नहीं कि बनता कैसे है। सही बात। बहुत बच्चों का यार तो मी बात ठीक मी बतोलो कि बन कम की जी तो दगड़ो पारी बिरयानी बनक तरीका तरीका क्या चीज। सबसे पहले आप लोगों ना राजमा भिगे जान दो घंटे पहले, ये बात तो सुंदर के सुनी, दो घंटे पहले राजमा भिगे जाओ, भिगे कर ना फिर काले उड़द और लोबी है ये सुन चंद घर ऊँता है उस डाल जाओ और जिन्हें ऊँता उस डाल ऊँधर वो डाला राजमा तीन चार चीजें जो भी है राजमा सब पे एक साथ उबाल दे रहे और कम से कम 20 सीटी ज्यादा ना 20 सीटी ले रहे हैं ठीक। जब 20 सीटी लग गए कुकर एक तरह खा लेना। वही बात फिर जो भी फिर आपका लहसुन है प्याज है जो भी आप काटते हो मसाला मसाला जो भी है वो तब बढ़ जाना बड़ा बात फिर सब जैसे भी बढ़ा छो। तो देखो पापा ने अभी जो कर रहे पापा फर्स्ट स्टेप वो है प्याज और जीरा है ना पापा जी। प्याज और जीरा का तड़का है जीरा है ये वापी हम सब कुछ हो जाए मतलब थोड़ा सा हींग हो जाए कुछ हो जाए तो अपन जो डालो आप अपने हिसाब से डालो मिर्च है जो भी है ना तो ये अपन डालो तो जनी भून गए वे बात भी वहाँ वो डाल जाना क्या वो जो अमर राजमा है सुनते है जो वे ताई वे बात चावल चावल धरा और कोई हिला हुले और बड़ा कर सब ठीक ठाक लहसुन पत्ता जो भी है धनिया धनिया जो भी है सब धरना रखे और अपने हिसाब से लुमा मिर्ची डाली कर और बंद कर कुकर बैठे यानी एक बीस सीटें आई फिर बाल माँ बस बढ़िया बस बस आप बनाए देखो आप एक चीज और भूल गए आप क्या टमाटर टमाटर नहीं टमाटर है ना कि वो अपने अपने हिसाब से हम तो कभी दो डालो कभी तीन डालो हिसाब से उन अपने हिसाब से डालो दो डालो एक डालो आप हिसाब से कतो नमक पड़ना चाहिए कतो क्या पड़ना चाहिए आप हिसाब से आप परिवार का तो जन वे हिसाब से बनाना अपन। ये उसार रखी है पापा ने दाल ये इसमें राजमा है और उड़द है मेरे ख्याल से इस बार पापा ने हरी अच्छा काली ही है ये सॉरी ग्रीन दिख रही होगी ये राजमा है उड़द है साबुत उड़द और सुंट है सुंट जिसको लोबिया बोलते हैं हाँ जिसे लोबिया बोलते हैं। तो ये पापा ने उबाल के रखा हुआ है तो ये इतनी सीटी नहीं लगाई है इसमें सिर्फ दो सीटी लगाई है बाकी आधा वो उसमें पकेगा जब बनेगा बिरयानी बनेगी। और ये दोस्तों इतना टेस्टी होता है ना और देखो पापा यहाँ पे प्याज काट टमाटर काट के डाल बाकी हम तो खत्म बरबरस खींचे बरबर पतली नहीं बिल्कुल अलग अलग मतलब जिस तरीके पुलाव होता है बिरयानी टाइप वैसे बिल्कुल वैसे खाते तो हम तो मैं बहुत कुछ डाल देता हूँ बाकी आईम फिर धनिया धनिया डाल दिया पैटी करना देसी घी धनिया डाल जैसे आपको मिले ना तो मजा आ जाता है आपका मजा। हाँ तो देखो पापा बना रहे हैं अभी हींग डालने की तैयारी कर रहे हैं पापा हींग डाल रहे हैं और फिर जब बन जाएगा तब दिखाते हैं आपको। ये बन गई हमारी पहाड़ी बिरयानी और क्या एक एक दाना अलग हो रखा है इसका लग रही है ना बिल्कुल बिरयानी जैसी वाह। तो दोस्तों बढ़िया बिरयानी बिल्कुल एक एक चावल अलग अलग तो ये है बिरयानी। अब ये देख रहे प्लेट लगी है ये लग गई हमारी छह प्लेट है तीन छह प्लेट लगी है तीन आप इसमें डाल के आप इसमें पड़ेंगे दो चम्मच देसी घी और खा के आप हो जाओ बस बिस्तर के अंदर। बाय बाय दोस्तों।